जी हाँ दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिली हार के बाद वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ खेले जाने वाले इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले महामुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और वर्ल्ड कप 2023 से पहले अपने प्रैक्टिस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे खतरनाक धुरंधरों की एंट्री करा दी है, जिसके बाद भारतीय टीम में शामिल होने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ इस प्रैक्टिस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 काफ़ी मजबूत हो गई है और अब इंग्लैंड की टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 से पहले प्रैक्टिस मुकाबले में भी भारतीय टीम की जीत पक्की हो गई है, क्योंकि दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में उन सभी खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम प्लेइंग 11 में क्या बदलाव किए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, भारतीय टीम की फाइनिंग प्लेइंग 11 के बारे में आप सभी को बताएंगे। आप सभी को आज की इस वीडियो में पूरी खबर, साथ ही दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को यह भी बताने वाले हैं कि हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के लिए पहले प्रैक्टिस मुकाबले में कब और कहां इस मुकाबले को खेलने वाली है, बताएंगे आज की इस वीडियो में पूरी खबर। इसलिए दोस्तों आप सभी हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी सुमन गिल को भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होने वाली है, लेकिन उससे पहले हमारी भारतीय टीम दो प्रैक्टिस मुकाबले खेलने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को बताएंगे कि रोहित शर्मा ने अपनी टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इंग्लैंड की टीम को कुचलने के लिए ओपनिंग बैटल में रोहित शर्मा और सुमन गिल भारतीय टीम की पारी की शुरुआत करने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और सुमन गिल काफ़ी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम की ओपनिंग बैटल काफ़ी मजबूत हो गई है। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ इस महामुकाबले में तीसरे नंबर पर विराट कोहली भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली अभी काफी शानदार खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। और चौथे नंबर की बात करें तो रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में खेलने का मौका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप 2023 में अपना स्थान पक्का कर चुके हैं। और पांचवें नंबर की बात करें तो रोहित शर्मा ने लोकेश राहुल को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है, क्योंकि अभी दोस्तों लोकेश राहुल काफ़ी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। और भारतीय टीम में एक बदलाव करें, सूर्य कुमार को टीम में शामिल कर लिया गया है और अब सूर्य कुमार काफ़ी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और अपनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सातवें नंबर की बात करें तो हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल किया गया है, जबकि दोस्तों हार्दिक पांड्या के अलावा आठवें नवें नंबर की बात करें तो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को भारतीय टीम की तरफ से स्पिनिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जबकि दोस्तों इन दोनों के अलावा 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तो दोस्तों ये हमारे भारतीय थी भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11। तो वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम इंग्लैंड से जीत कर वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत कर पाएगी, आप सभी कमेंट में जरूर बताएगा। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।